नकली पाउडर वाले दूध से पनीर बनाए के लोगों को चूना लगा रहे हैं, जिसका आज अपने पहचान करना मुश्किल होगा कि असली पनीर कौन सा है, नकली पनीर कौन सा है। और जहाँ भी दूध और दही से कुछ बनता है वहाँ गंदगी बहुत होती है। पर आज आपको ऐसा मेगा फैक्ट्री में लेके आऊँ जहाँ इतनी साफ सफाई से पनीर बनाया जाता है, दावा के साथ कह सकता हूँ पूरे इंटरनेट में आपने कहीं नहीं देखी होगी। वीडियो के अंदर जरूर देखना, मजा आएगा। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया से हर रोज मिल्क चेंजिंग सेंटर से करीबन 6 लाख लीटर से ऊपर दूध का टैंकर लेके आते हैं। फिर उस दूध को चेक किया जाता है कि दूध में कोई मिलावट ही तो नहीं है। आगे उसे साइक्लो टैंक भेजा जाता है जहाँ दूध को 80% उबाला जाता है। दूसरी ओर शुरू होता है ये जो आप मिल्क मोड यानी ढांचा जैसा टैंक देख रहे हो, इसी में हमारा पनीर बनेगा। उसके लिए सबसे पहले ये मशीन अच्छी तरह सब टैंक को सैनिटाइज करता है, जिससे टैंक अच्छी तरह साफ हो जाए। फिर आगे उसे ये मशीन साफ टैंक को सीधा करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहाँ टैंक में डाला जाता है दूध जो की 80% उबाल के तैयार किया था। साथ ही साथ डाला जाता है कोवलेंट, जिसे आप खटास भी कह सकते हो। जी हाँ, जैसे हम घर में दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस डालते हैं, ठीक उसी तरह खटास डालते हैं, जिससे दूध और खटास को आपस में मिलाया जाता है करीबन 2 मिनट तक। देख सकते हो कैसे दूध फट चुका है, जिससे हमारा पनीर बनेगा। फटे दूध को टैंक को मशीन आगे भेज के जो दूध को फाड़ा गया है उससे बनाएंगे पनीर। जी हाँ, देख सकते हो ये मशीन एक एक करके सब टैंक को पलट कर दूसरे मोल में डालते रहती है। और ये रोलो मशीन का काम है अपने आप फटे दूध में से कटर मिल्क अलग करना, यानी हमारा जिससे पनीर बनेगा, और जो एक्स्ट्रा बचा कुचा पानी होता है वो बाहर निकाल देती है। जो फटे हुए दूध में से निकाला उसे आगे भेजा जाता है जहाँ मोल को प्रेस किया जाएगा, और उसके ऊपर डाला जाता है एक ढांचा यानी स्टैंड। मशीन से करीबन 10 मिनट तक उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। इस मशीन का काम है बस उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाता है वो भी निकाल देती है, और 10 मिनट बाद जैसे सारा पानी निकल जाता है मशीन अपने आप खुल जाता है, उसे आगे निकाल के भेजा जाता है। पर अभी ये पनीर बहुत गर्म और नरम है, जिसे टच करते ही टूट जाएंगे, इसीलिए पनीर को पहले ठंडा किया जाएगा। ये मशीन जितने भी मोल्ड में प्रेस हुए पनीर है उसमें से पनीर अलग करती है और मोल्ड अलग, और पानी में भेजते रहते हैं जिसे आगे ठंडा किया जा सके। ऐसे सारे मोल्ड में से पनीर निकाल के पानी में भेज देते हैं। अब यहाँ जितना भी सारा पनीर निकाला है उसे बिल्कुल ठंडे पानी में डुबो के रखा जाएगा, वो भी 4 से 5 घंटे के लिए। एक चीज आपको बता दूं, यहाँ सारा का मशीन अपने आप करती है, कहीं भी हाथों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ हमारे 5 घंटे हो चुके हैं, जितना भी सारा पनीर डुबो के रखा था उसे निकाला जाता है ठंडे पानी के टैंकर में से। आगे उसे ट्रॉली में भर के भेज देते हैं पैकेजिंग की तरफ। ये एक पनीर का वजन करीब 8 किलो का है, उसे उठा के रखा जाता है इस मशीन के ऊपर, और मशीन पनीर के 2 टुकड़े कर देती है। जी हाँ, आप सब बाजार में जाते तो किलो हिसाब से 100 ग्राम, 200 ग्राम या आधे किलो, जिसको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से पनीर लेता है। जी हाँ, ये मशीन का काम भी वही है, पनीर को ग्राम किलो के हिसाब से काट के आगे भेजता रहता है। और जो पनीर किसी वजह से टूट जाते हैं, पनीर में कोई दिक्कत, मशीन डिटेक्ट कर लेती है, मशीन अपने आप उसे नीचे धकेल देती है। फिलहाल तो यहाँ 200 ग्राम में पनीर काटा जा रहा है, मशीन को पहले ही सेट कर देते हैं, जिससे मशीन अपने आप उसको 200 ग्राम में काटते रहती है। और जैसे जैसे पनीर कट कट के आते रहते हैं, वर्कर उसे पैकेट के ट्रे में भरता जाता है। पूरी की पूरी मशीन ऑटोमेटिक है, जिसके अंदर कई सारे सेंसर लगे हैं जो बिल्कुल 200 ग्राम के हिसाब से ही काटती है, ना कम ना ज्यादा। साथ ही साथ उसके ऊपर लगता रहता है लेबल, जिसके ऊपर लेबल लग जाते हैं वो आगे ट्रे में भरते रहते हैं, जिससे हमारा पनीर बनके तैयार हो चुका है। पर उससे पहले जो पनीर का पैकेट बनके तैयार हुआ है उसे पहले दोबारा चेक किया जाएगा कि पनीर की क्वालिटी क्या है, इसीलिए कोई भी पैकेट उठा के उसे थोड़ा कद्दूकस करके चेक करते हैं। और जैसे पनीर क्वालिटी में पास हो जाता है, पनीर के पैकेट को भारत के घर घर भेजा जाता है, जिससे सब आनंदा का पनीर का मजा उठा सके। क्या आपने इससे पहले इतने हाइजीनिक और इतने बढ़िया तरह से पनीर बनते हुए कहीं देखा था? कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूले।